दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टाटा 407 का मेन गेयर बॉक्स खोलना और इसके पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं टाटा 407 का गेयर बॉक्स खोलना। सबसे पहले दोस्तों, हम गेयर बॉक्स को गाड़ी से उतार लेंगे। एक गेयर बॉक्स हमने उतार लिया है। अभी ये इसका ड्रेन प्लग है। ड्रेन प्लग खोल के इसका गियर ऑयल बाहर कर लेंगे। उसके बाद ये दोस्तों इसका ऊपर वाला है, टॉप कवर है, जिसमें 4 फिट होता है। इसको हम 12 नंबर का बोल्ट होता है, 12 नंबर का गोटी से इसको खोल लेंगे। इसका फ्लेंज है दोस्तों, इसका फ्लेंज हम लॉक होता है, इसका चकनट, और चकनट को लॉक खोल के फ्लेंज निकालेंगे। अभी हम देखिए टॉप कवर इसका खोल लिया है दोस्तों। इसमें 3 फोर्क हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर फोर्क से 1 नंबर और दो रिवर्स नंबर रिवर्स लगता है। 2 नंबर से 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर से 4 नंबर और 5 नंबर गियर लगता है। ये शाफ्ट है इसका, फोर्क शाफ्ट है। 4 शाफ्ट होती हैं इसमें, 3 ए लगी हुई हैं और एक इसमें रिवर्स का रिवर लगा हुआ है। ये दोस्तों गियर बॉक्स का अंदर वाला भाग है, अंदर का ये मेन शाफ्ट है दोस्तों। इसमें गियर लगे हुए हैं, इसमें आपको दिखा रहे हैं, ये स्लीव लगी हुई है इसमें, स्लीव जो गियर को शिफ्ट करती है, और ये बाकी के इसमें गियर हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये जो गियर है ये रिवर्स गियर है। उसके बाद ये 1 नंबर गियर है लगा हुआ, फिर ये 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर गियर, इसमें फोर्क लगी हुई है दोस्तों। इस तरह से गियर घूमते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका ये फोर्क का ये शिफ्टिंग है, इसको हम खोल लिया दोस्तों। अभी देखिए, हम ये जिस साइड में फ्लेंज था, फ्लेंज को खोलने के बाद अभी हम इसका ये हाउजिंग खोलेंगे। हाउजिंग में इसमें एक सील लगा हुआ होता है जो गियर ऑयल को बाहर नहीं आने देता है। इधर ही इसमें ये अंदर का भाग है, ये फोर्क है जो हमने टॉप कवर का खोला है दोस्तों। पहले भी आपको दिखा चुके हैं एक बार हम। ये जो लीवर है ये रिवर्स का आइडल गियर में फंसा होता है, तो इसमें एक आइडल गियर होता है जो मेन शाफ्ट के गियर को और जो दूसरी हमारी शाफ्ट होती है काउंटर शाफ्ट, उसके गियर को हम आपस में मैश करते हैं। ये इसकी फोर्क हैं जो गियर को शिफ्ट करते हैं। ये शाफ्ट से जुड़ी हुई हैं, ये फोर्क शाफ्ट हैं लगी हुई। ये हमारे टॉप कवर में होती है दोस्तों। ये देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा गियर का एक एक हिस्सा पुर्जा दिखा रहे हैं आपको। ये रिवर्स गियर है, इसके साथ में जो लगा हुआ है ये दोस्तों इंगेजिंग डॉग है, जो गियर के साथ में ढला हुआ होता है। इसमें सिंक्रोनाइजन रिंग नहीं होता है, ये 4 नंबर और 5 नंबर में ही सिंक्रोनाइजन रिंग होता है, बाकी इनमें सिंक्रोनाइजन रिंग नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें सिंक्रोनाइजन रिंग लगा हुए हैं, ये इंगेजिंग डॉग है। इसके साथ में सिंक्रोनाइजन रिंग लगे हुए हैं, जो स्लीव है इसके साथ में जो हिल रहा है ये सिंक्रोनाइजन रिंग है। ये गियर का इंगेजिंग डॉग है जो स्लीव के साथ में इंगेज होके गियर को लगाता है। इस सिंको राजा रिंग है, सिंको राजा रिंग का काम दोस्तों गियर को घिसने नहीं देता और गियर को शार्पली स्मूथली मैश होने में मदद करता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसका ये टॉप गियर है, जिसे हम 5 नंबर गियर बोलते हैं। 5 नंबर से टॉप गियर बोलते हैं क्योंकि टॉप शॉफ्ट में लगा होता है। ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा सारा सबसे लास्ट में जो रिवर्स गियर है दोस्तों, ये इस स्लीव है जो गियर को शिफ्ट करता है, जो हमारा गियर लीवर होता है उसकी मदद से बहुत आराम से शिफ्ट होता है। अभी हम आपको ये स्क्रू ड्राइवर से शिफ्ट करके दिखा रहे हैं दोस्तों। ये आराम से शिफ्ट होता है, जब तक ये दोनों तरफ से नीचे ऊपर चारों तरफ से एक समान आगे पीछे होगा तभी ये शिफ्ट होगा आराम से। ये तो थोड़ा दिक्कत करेगा लेकिन हो जाएगा, आराम से होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कैसे तो किस तरह से गियर चल रहे हैं, आपस में मूव हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने फ्लेंज खोल लिया है। फ्लेंज के अंदर ये एक ओरिंग लगा है जो हमारी जो ऑयल सील होती है उसको रोक के रखता है। ये जो गियर है ये हमारा
डैशबोर्ड में जो किलोमीटर दिखाता है, शो करता है, उसके लिए गियर लगा हुआ। किलोमीटर केबल का ही गियर इस पे मैच होता है। ये जो गियर है ये प्लास्टिक का बना होता है, हार्ड प्लास्टिक का बना होता है दोस्तों। ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये इसके अंदर एक बासा लगा हुआ है जो इसको बैरिंग के साथ घिसने नहीं देता है। ये हमारे ऊपर, इसके ऊपर जो हाउजिंग लगती है वो हाउजिंग है। इसमें सिम पड़ा होता है दोस्तों, ये जो पिले के हिसाब से हम सिम लगाते हैं। इसके अंदर ये जो गियर है, ये वाला गियर, ये जो गियर आपको दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का, ये किलोमीटर केबल का गियर है। इसमें किलोमीटर केबल लगती है जो डैशबोर्ड में हमको किलोमीटर शो करता है, हमारी स्पीड को शो करता है, वो यही गियर है दोस्तों। इसके ऊपर ये सिम बैठती है जो पिले को कम और ज़्यादा करती है। पिले ज़्यादा है तो सिम को ज़्यादा लगाएंगे, पिले कम है तो सिम को कम लगाएंगे। ये हमारा निकाल लिया, हमने बासर निकाल लिया, उसके बाद गियर को निकालेंगे। गियर को निकालने के बाद बासर को निकालेंगे, उसके बाद ये बैरिंग को निकाल के हम शाफ्ट को बाहर करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी हाउजिंग के ऊपर अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं किस तरह से मैश होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्लास्टिक का बड़ा वाला गियर और ये छोटा वाला गियर है। जो अभी हम टॉप शॉफ्ट के तरफ का हिस्सा खोलेंगे, अभी हमने पहले खोला था वो हाउजिंग जो अपना लगा हुआ था, हाउजिंग के साथ में जो फ्लेंज लगी थी उस तरफ का खोला था। अभी हम टॉप शॉफ्ट के हिस्से के खोलेंगे। इसमें एक बासर है, दो बासर है, इसके ऊपर ए सिम है, उसके बाद में एक लॉक लगा होता है दोस्तों। वो लॉक निकाल के उसके बाद हम निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये टॉप शॉफ्ट है जो हमारी इंजन की साथ में फिट होती है। यही मेन टॉप शॉफ्ट है, इंजन से चाल को गियर में देती है। जो ये हाउजिंग है, जो हमारे टॉप शॉफ्ट के ऊपर हाउजिंग लगी होती है, इसमें एक सील होती है दोस्तों जो गियर ऑयल को बाहर नहीं आने देती है। अभी हम इसको अंदर से हल्का सा ठोक करके इस टॉप शॉफ्ट को बाहर कर देंगे दोस्तों। आराम से निकल जाती है टॉप शॉफ्ट। इसका बैरिंग जो है कि इतना टाइटली नहीं होता है। ये देखिए बैरिंग, ये आराम से निकल गया। इसके अंदर ये निडिल बैरिंग होता है दोस्तों। इसके अंदर जो निडिल बैरिंग होता है शाफ्ट में और टॉप शॉफ्ट को, जो मेन शॉफ्ट है वो ये टॉप शॉफ्ट को आपस में स्मूथली घूमने के लिए दिया हुआ होता है। ये देखिए दोस्तों, इसके सिंक्रोनाइजर रिंग है ये। उसके बाद ये हमारा एंगेजिंग डॉग, ये आपस में मैश होके गियर को शिफ्ट करते हैं। ये हमारा फ्लेंज के तरह का हिस्सा। इधर का जो बैरिंग है दोस्तों, बहुत ही टाइट निकलता है। इसको बहुत ज़्यादा ठोकना पड़ता है। इस गियर बॉक्स को मैंने निकाला था दोस्तों, पुलर से भी निकला, फिर बड़े वाले घन से 10 kg के हैमर से हमने ठोंक ठोंक के इसको निकाला था दोस्तों। बहुत मुश्किल से निकला। ये जो काउंटर शाफ्ट का बैरिंग है, इसको तो आराम से निकाल के हम काउंटर शाफ्ट को पहले नीचे गिरा देते हैं। इसका जो कोन है वो कोन आराम से ठोंक के निकल जाता है हैमर से। उसके बाद काउंटर शाफ्ट को नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद जब दोनों का मैश अलग हो जाता है, दोनों शाफ्ट अलग हो जाती हैं, फिर आराम से निकलने में सहायता करती हैं आराम से। देखिए दोस्तों, अभी हमने मेन शाफ्ट को बाहर निकाल लिया है। इसमें टॉप शॉफ्ट और गियर सारे मैश करके आपको दिखाएंगे अभी हम। ये देखिए दोस्तों, ये हाउजिंग है टॉप शॉफ्ट का, ये हमारा काउंटर शाफ्ट है। इसमें जो सबसे बड़ा वाला गियर है दोस्तों, ये हमारा 5 नंबर गियर है, उससे छोटा 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, फिर 1 नंबर, उसके बाद रिवर्स गियर। ये हमारा हाउजिंग है। इसके अंदर एक आइडल गियर होता है दोस्तों। ये जो आइडल गियर है, ये काउंटर शाफ्ट के रिवर्स गियर से और मेन शाफ्ट के रिवर्स गियर को आपस में मैच करके जो रिवर्स गियर को इंगेज करता है। ये हमारा हाउजिंग है जिसमें पूरा गियर जो है, गियर मैकेनिज्म है वो अंदर इसके होती है। ये हमारा टॉप शाफ्ट है। टॉप शाफ्ट का भी हम आपको एक एक हिस्सा दिखाएंगे, एक एक पुर्जा दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए, इसमें जो ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंक्रोनाइजर रिंग है। उसके साथ में जो लगा हुआ है गियर के साथ में जो मैश होता है, इंगेजिंग डॉग होता है, ये गियर को इंगेज करता है, इंगेजिंग डॉग। और जो सिंक्रोनाइजर रिंग होता है, ये मदद करता है दोस्तों। इसके अंदर ये निडिल वायरिंग होते हैं, गियर के अंदर निडिल वायरिंग होते हैं जो स्मूथली घूमते हैं। ये देखिए दोस्तों, गियर के अंदर निडिल वायरिंग फिट है, उसके ऊपर से गियर फिट है। ये देखिए, ये जो बाहर निकला है ये सिंक्रोनाइजर रिंग है। ये हमारा स्लीव है, स्लीव के नीचे अंदर ये हब होती है। इस पे ये इंगेजिंग डॉग, जहाँ पे एक कटा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, इंगेजिंग डॉग होता है स्प्रिंग की मदद से लगा होता है, जो कि गियर को एकदम झटके से जब लगाते हैं तो ये कड़क से आगे जाता है, कड़क से पीछे आता है।
जो गियर को आपस में रोक के रखता है। एक नंबर शिफ्ट करेंगे तो जब ये इंगेजिंग डॉग लॉक जब ये खराब हो जाता है दोस्तों, तो हमारा जो है न्यूट्रल हो जाता है, चलते चलते गाड़ी न्यूट्रल भी हो जाएगी। तो इसकी मदद इसी की वजह से जो है न्यूट्रल होती है, इसकी वजह से कभी कभी दिक्कत आती है। तो ये जो हब है, हब के ऊपर हमने लॉक अभी निकाल दिए दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, निकाल दिए हमने। इसके ऊपर ये स्लीप बैठती है, उसके बाद ये इंगेजिंग गियर के इंगेजिंग डॉग से इंगेज हो। अभी दोस्तों हम आपको दोनों शाफ्ट को, जो काउंटर शाफ्ट है मेन शाफ्ट को, आपस में मैच करा के दिखाएंगे किस तरह से चाल मिलती है, किस तरह से चाल इंजन से गियर में आती है, गियर से फिर चक्कों में जाती है। ये देखिए दोस्तों आपस में मैच हो गए, इतने बढ़िया से मैच हुए हैं। ये देखिए काउंटर शाफ्ट का जो बड़ा गियर होता है वो 5 नंबर होता है, और मेन शाफ्ट होती है उसका छोटा गियर 5 नंबर होता है। जो 1 नंबर गियर और रिवर्स गियर होता है वो लगभग उनका डाया जो है सेम होता है, लगभग थोड़ा थोड़ा फर्क होता है लेकिन सेम होता है, इसीलिए दोनों का स्पीड जो है कि हमेशा सेम होती है। रिवर्स गियर और मेन गियर की, 1 नंबर गियर की हमेशा स्पीड लगभग कम ये बराबर बराबर होती है। इसका देखिए दोस्तों ये काउंटर शाफ्ट का रिवर्स है, 1 2 3 4 5 नंबर गियर है, ये आपस में मैश होके चलते हैं दोस्तों, ये हमेशा मैश रहते हैं। ये जो काउंटर शाफ्ट है इसके 2 गियर अलग होते हैं, बाकी के इसी शाफ्ट में ढले होते हैं। अगर ये 5 नंबर 4 नंबर गियर ख़राब हो जाता है तो उसको हम बाहर से भी मंगा के मशीन जॉब से फिट करवा सकते हैं, लेकिन ये 1 2 3 गियर अगर ख़राब हो गया तो हमें पूरा काउंटर शाफ्ट चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, और लाइक शेयर ज़रूर करें सब।